ज्यादा भारी नहीं है, सिंपल सोबर और हल्के मिक्स एंड मैच करके पहनो, वो ज्यादा प्यारा मतलब चाहिए ही मुझे, लेना है गोल्ड का लेना है मुझे। बट जब तो मैंने ली है ये प्यारी सी छोटी सी नथ, मैं भी ये भी फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो कैसे हो आप सब, आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे और बस मैं ही बहुत अच्छी हूँ। सो जैसा कि आप लोगों को पता ही भी आ रहा है करवा चौथ, और ये बेडशीट देख लो कितनी सुंदर लग रही है, पिलो को मैंने काट के रखा है और अभी बनाया नहीं क्योंकि टाइम नहीं मिला। सो कल गए थे शॉपिंग करने, पिलो का ये सब चद्दर उद्दर काट वाट के फिर चली गई थी मैं शॉपिंग करने करवा चौथ की, जो कि थोड़ी सी शॉपिंग की है तो उसका आप लोग का शेयर करती हूँ। अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं लेना, जैसे साड़ी लिया है तो साड़ी फॉल पिको के लिए दुकान पर छोड़ के आए हैं, और बस चूड़ी ली है और कुछ स्पेशल चीज़ लिया है पहनने के लिए जो मुझे बहुत पसंद है, और मेरे पास गोल्ड का नहीं है तो मैंने ऐसे ले लिया नकली वाला। सो आप लोग को दिखाती हूँ, और इस बार सोचे अभी जाएंगे पार्लर फेशियल कराने, सो देखते हैं अगर टाइम मिला तो जाएंगे, ब्लॉग में आपको लगा शेयर करेंगे। और आज मुझे एक जगह और भी जाना है तो सब कुछ देखने के लिए ब्लॉग में कंटिन्यू रहिए। सो दिखाती हूँ आप लोग को थोड़ा सा भी। सो अभी आ रहा है कानू नहा के, कानू नहा के आ रहा है, लाओ तो आ जा, चल रुको 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 रुको, कानू को तोड़ लिया। सो कानू से फेस देखो नहा क्या है, मैं इसको अभी तैयार कर देती हूँ, कपड़ा बना देती हूँ, पोज के राजा बाबू बना देती हूँ, उसके बाद आप लोग को शॉपिंग दिखाती हूँ क्या क्या लेती हूँ। सो फ्रेंड्स, अभी मुझे फाइनली अब टाइम मिला है क्योंकि कृष्णा को आपने देखा नहा के आया था, रेडी किया, फिर उसको खाना खिलाया, उसके बाद उसको सुला दिया, फिर हम लोग भी खा पी के थोड़ा सा आराम करी, उसके बाद मैं सोचा चलो आप लोग का वीडियो शूट कर लेते हैं, कान्हा सो गया है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं साड़ी से, जो कि दिखाती हूँ, साड़ी तो है नहीं पर ब्लाउज पीस दिखा देती हूँ आप लोग को कैसा है उसने का। सो ब्लाउज पीस से कुछ ऐसा पीच कलर है, रेड कलर साड़ी है, पीच कलर के छोटे छोटे फ्लावर्स बने, उस पर फ्लावर्स नहीं बने हैं, जैसे सर्कल सर्कल है सिर्फ। साड़ी से हमको लेने जाऊँगी तो मैं आप लोग का दिखाऊँगी साड़ी भी, वैसे आप लोग सिर्फ ब्लाउज से काम चल रहा है, और मेरा ब्लाउज भी नहीं सिला गया है, ऐसा पता नहीं कितना पड़ता है। मैंने ना बहुत तो मतलब ये सोच के साड़ी ली कि मुझे बाद में भी पहनना है, तो ज़्यादा भारी नहीं है, सिंपल सोबर और हल्के, क्योंकि भारी भारी साड़ी ना सब तिजोरी में एक साइड लगी हुई है, सिर्फ देखने काम आती है बस, तो इसलिए मैंने सिंपल सोबर, क्योंकि मुझे दोबारा इसे पहनना ये सोच के मैंने ये साड़ी चूज़ की है। वो साड़ी आएगी तो मैं दिखाऊँगी फटाफट से, ब्लाउज मुझे इसका बनाना है और टाइम बिल्कुल भी नहीं है अभी, सिर्फ 2-3 दिन का टाइम है, और ब्लाउज में कैसा बनाऊँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वैसे तो मुझे सिंपल ब्लाउज ही अच्छे लगते, बट मैं बहुत सारे डिज़ाइन ब्लाउज देखे जो अभी न्यू न्यू स्लीव्स के डिज़ाइन अच्छे अच्छे निकले, तो ट्राई करूँगी आप लोगों का शेयर करूँगी ब्लाउज सिलूँगी तो। सो ये रहा ब्लाउज पीस, पीच कलर में है और रेड कलर की साड़ी है, पीच कलर, और पीच कलर के उस पर डिज़ाइन बनी हुई, तो ये पूरा ब्लाउज पीच कलर का है, और साड़ी पॉलिसी को भी अच्छा हुआ दे दिया क्योंकि उससे टेंशन फ्री हो गया। उसके बाद फिर हमने शॉपिंग की थी चूड़ियों की, दिखाती हूँ मैं कौन सी है चूड़ी, पीच कलर और कुछ मरून से चूड़ी, और मुझे ना ऐसे सिंपल सोबर मैं कंगन ज़्यादा पसंद करती हूँ क्योंकि चूड़ियों के साथ में ना बहुत ज़्यादा झमझम झमझम है, सिर्फ ये जो पीच कलर की चूड़ी है इसमें थोड़ा सा डायमंड लगे हैं, थोड़ी देखिए डायमंड लगे हैं, और ये बिल्बट की चूड़ी, प्लेन चूड़ी। सो मुझे ना इसे प्लेन ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह के सिर्फ गोल्डन कंगन ले लो आप कोई भी डिज़ाइन का मस्त, और किसी भी प्लेन चूड़ी चूड़ियों के साथ मिक्स एंड मैच करके पहनो, वो ज़्यादा प्यारा लगता है देखने में, भी लुक बहुत अच्छा आता है, कंगन लगाने के साथ चूड़ियों चूड़ी बिल्कुल हैवी दिखती है और बहुत अच्छी लगती है। तो मुझे ना प्लेन ही पसंद है, कंगन उसमें पड़ा, तो मैंने ये चूड़ी खरीदी थी उसके साथ में, क्योंकि उस दिन साड़ी की वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुई क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, और उसका रीज़न क्या है बताती हूँ मैं। मतलब हम लोग जा रहे थे जब शॉपिंग करने, तो शाम के रात के 7:30 हो रहे थे, तो सिर्फ राम को लेके जा रहे थे कान्हा को छोड़ के, बट जैसे ही घर से निकले वैसे कान्हा घुट के, तो कान्हा को भी लेके जाना पड़ा, तो इसके लिए वीडियो शूट नहीं हुआ, तो सर क्यों नहीं बाद में शेयर कर देंगे आप लोग के साथ। तो सबसे पहले देखा आप लोगों ने कंगन और साड़ी ऐसी है दो कलर में, और उसके बाद फिर मैंने लिया है एक और प्यारी सी चीज़, ये तो मॉइस्चराइज़र था बैटिक का,
और उसके बाद जो मेरे पास नहीं है, जो मुझे बहुत मतलब चाहिए ही, मुझे लेना है गोल्ड का लेना है मुझे, बट जब लेंगे सब लेंगे तब इस बार मुझे शौक थी इस चीज़ की कि मैं मतलब वैसे तो मैं ज्वेलरी ना गोल्ड की ही पहनती हूँ करवा चौथ पे, क्योंकि फिर वो सालों साल रखी ही रहती है। एक टाइम ऐसा आता है सिर्फ करवा चौथ जब गोल्ड की ज्वेलरी हम पहन सकते हैं, तो मैं हर साल गोल्ड की ज्वेलरी पहनती हूँ करवा चौथ पे, बट इसके बिना ना सब मतलब वो अधूरा लुक आता है, बिल्कुल अधूरा अधूरा लुक। तो मैंने ली है ये प्यारी सी छोटी सी नथ जो मुझे बहुत टाइम से चाहिए थी, और मैंने एक बार लिया भी है अपने देवर की शादी में, मैंने पहना था, बट वो छोटी है, वो दूसरी डिज़ाइन की है, और मुझे चाहिए था कुछ ऐसा कि नेचुरल सा लुक आए बिल्कुल गोल्ड जैसा, तो गोल्ड की ज्वेलरी के साथ ये जाएगी, मुझे मिल गई। एक ही पीस था इसमें का और डिज़ाइन भी नहीं थी, बट ये थी, बट मैं जो टाइम नहीं मिलेगा लेने आने का तो मैंने ले ली, मैंने ट्राई भी नहीं किया, मैं ट्राई करती हूँ कैसे लगता है। मैंने इसे गोल्ड का भी लूँगी, मुझे बहुत पसंद आए, प्यारा लुक आ रहा है ना इसके बिना, मतलब कि आप ज्वेलरी पहनो तो गोल्ड वाली तो अधूरा लुक आता है गोल्ड, और मस्त दुल्हन वाला लुक बिल्कुल आ रहा है करवा चौथ वाला, तो मुझे तो बहुत प्यारा लग रहा है बहुत ज़्यादा। आप लोग कमेंट बताना कैसा लग रहा है आप लोग को, तो थोड़ी बहुत जो भी शॉपिंग है वही आप लोग का शेयर कर रही हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं लिया है। तो ये रहा लुक, सच में बहुत प्यारा लग रहा है ये। तो एक हमने लिया था ये, और एक मैंने नोज़ पिन ली है, जो वो भी मुझे बहुत टाइम से चाहिए थी, मैंने सबको देखा पहनते, मुझे भी शौक था लेने का, तो वो क्या है दिखाते हैं, ज़्यादा चीज़ नहीं है, दो ही तीन चार चीज़ है और मुझे लेने जानी है और लेंगी तो बताऊँगी। एक नोज़ पिन थी ये वाली इस टाइप की, जो गरबा में पहनते हैं, ऐसे भी लड़कियाँ पहनती हैं, ऑक्सीडाइज क्या बोलते हैं, हाँ ऑक्सीडाइज वाली जो ये ऐसी मिलती है, इसको शायद ट्राई होगा शाम को, क्योंकि आज शाम को भी जाने वाले गरबा देखने, इसमें का लुक तो ये बहुत प्यारा लग रहा है देखने में, और मैं भी ये भी फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, लुक बहुत प्यारा आ रहा है, ट्राई किया बहुत अच्छा लग रहा है, शाम को इसको मैं पहनने वाली हूँ। आप लोग कमेंट बताना कि कैसा लग रहा है। तो एक नई लिया था ये, और मैं फटाफट से वीडियो फ्रेंड करूँ क्योंकि बाबू मेरा नाम रिन को ट्राई कर भी देख सकता है, वीडियो एंड पूरा हो जाए। ये रहा दो चीज़, तीन चीज़ हो गए, चूड़ी और नथ और नोज पिन, और एक मैंने ली थी लिपस्टिक, ये पिंक होता पर डार्क पिंक है बिल्कुल, रानी कलर ये उस टाइप की लिपस्टिक, मैंने रेड मरून और एक पर्पल, ये तीन चार लिपस्टिक ट्राई किया, पर इस बार मुझे ये वाली ट्राई करने का मुझे मन था, तो मैं सब करवा चौथ से अच्छा तो कोई मौका हो ही नहीं सकता, फेस्टिवल सीजन अभी आ भी रहा है, दिवाली आ रही है, तो ये मैंने लिपस्टिक ली रानी कलर की, और बस इतनी सी शॉपिंग थी, थोड़ी सी ही शॉपिंग की मैंने, क्योंकि उस दिन बहुत बताया आपको लेट हो रहा था, तो इतनी शॉपिंग से आप लोग शेयर करती हूँ। आज शाम को भी जाना है, अभी सारे शाम को है गरबा, तो सबको गरबा देखने जाएंगे, तो ये नोज पिन मैं ट्राई करने वाली हूँ, उसका वीडियो आप लोग के उसमें शेयर करूँगी, और कमेंट बताना आप लोग के कैसा लग रहा है। सो वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए बहुत सारा थैंक यू, और जो भी चैनल पर पहली बार है प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, और जो भी डाउट्स जो भी बात है या कुछ पूछना चाहते हैं या कोई क्वेश्चन है वो सब आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, और मेरे चैनल पर आप लोग को फैमिली व्लॉग देखने को मिलते हैं, मेरे फैमिली के साथ अपने डेली रूटीन और फैमिली के साथ सारे वीडियोज़ मेरे आते हैं। तो चैनल को बहुत सारा प्यार दीजिए, लाइक करिए और शेयर करिए, और कोई भी चीज़ आप कोई भी बात हो कुछ भी हो आप मेरे बारे में जानना चाहते हैं पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ 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 मुझे कॉमेंट ज़रूर करें। सो चलिए आज का ब्लॉग बस यहीं तक, फिर से आप लोग को न्यू ब्लॉग में मिलूँगी, सो ब्लॉग कहीं पर एंड करती हूँ, और जो भी चैनल पहली बार है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, थैंक यू सो मच।